जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक, संधारित्र या कैपेसिटर किसे कहा जाता है। देखिए हर चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है। जैसे अगर आपने एक गिलास पानी लिया तो उसमें एक गिलास ही पानी आएगा, आप उसको इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। उसी तरह से हर वायर यानी जिसमें करंट जाता है या जिस जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसमें अपनी एक कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा वो चार्ज यानी आवेश को नहीं रख सकता है। तो आवेश की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें संधारित्र या कैपेसिटर लगा देते हैं। ये क्या करता है, चार्ज यानी आवेश को स्टोर करके रख लेता है अपने पास। अब ये संधारित्र का सिंबल कैसे होता है, संधारित्र का सिंबल इस तरह से होता है। हालांकि ओरिजिनल संधारित्र आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं किस तरह का होता है, आप इसे ट्रांजिस्टर या रेडियो इत्यादि में आप देखे होंगे। संधारित्र की क्षमता जो होती है वो सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। आप यहाँ से उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर वो दे देगा कि मान लीजिए 10 कूलाम का कोई चार्ज है, 2 वोल्ट का करंट जा रहा है, तो उसका कैपेसिटर कितना होगा, तो 10/2 यानी 5 हो जाएगा कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर का जो मात्रक होता है ना वो फैराडे होता है, फैराडे। लेकिन फैराडे इतना बड़ा मात्रक होता है कि जो हमारे जनरल यूज में नहीं आता है, इसलिए जनरली हम लोग कैपेसिटर को माइक्रो फैराडे में ही हम लोग नापते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से देगा तो आप निकाल सकते हैं। अब इसका सर्किट डाइग्राम भी कभी कभी दे देता है, चलिए हम सर्किट समझते हैं। देखिए एक होता है श्रेणी यानी सीरीज में लगे हुए संधारित्र, यानी अगर दोनों सारे सीरीज एक लाइन से लगे यानी एक का लास्ट छोर पहले के फर्स्ट छोर से मिला होगा तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए श्रेणी क्रम या सीरीज किसे कहते हैं, जब एक लाइन से जुड़े रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सीरीज। इसमें निकालने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए ये भी 4 माइक्रो फैराडे है और ये 4 माइक्रो फैराडे है, तो इसको जोड़ने का तरीका होता है 1/C = 1/C1+1/ यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ने के बाद देखिए ये जो वैल्यू निकालेंगे ये 1/C की वैल्यू आएगी, इसलिए टोटल आंसर के बाद हम इसको उल्टा कर देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा, 1/4 + 1/4 LCM हो जाएगा 4, ये यहाँ पे हो गया, ये आंसर आ गया हमारा 1/2। अब ये 1/2 1/C की वैल्यू, इसलिए लास्ट में फिर इसको एक बार उल्टा कर देते हैं, तो ये 2 माइक्रो फैराडे आ गया हम लोग का आंसर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 माइक्रो फैराडे आंसर आ गया, ये सीरीज में। चलिए देखते हैं हम लोग पैरलर या समानांतर क्या होता है। जब ऊपर नीचे जुड़े रहते हैं तो इन्हें हम पैरलर के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग सीधे जोड़ देते हैं, जैसे मैथ में नॉर्मल चीज़ों को जोड़ते हैं C = C1+C2--। जैसे यहाँ आप देखिए यहाँ कैपेसिटर कितना आएगा, C1 की जगह मान लीजिए 3 है, C2 की जगह 4, यानी टोटल ये कितना फैराडे का आ जाएगा, 7 माइक्रो फैराडे। ये पीरियड और सीरीज का कॉम्बिनेशन था। अगर बड़ा रहेगा तो आप उसमें मिला के करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, ये रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है। अब अगला न्यूमेरिकल कैसे आता है उसको समझ। देखिए कभी कभी क्वेश्चन कैसे दे देता है कि अगर दो कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर है उसके दो प्लेटों का एरिया यानी जो प्लेट का जो एरिया है इस एरिया को बढ़ा देंगे तो इसकी कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा संधारित्र की, इसके बीच की दूरी को घटा देंगे तो क्या होगा, इसके बीच एक धातु का छड़ रख देंगे तो क्या होगा, अगर इंसुलेटर यानी अधातु का कोई रख देंगे तो क्या होगा, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले तो आप उसको फॉर्मूला बेसिस पे आप समझ जाइए, ये फॉर्मूला वाले की याद नहीं रखिएगा आप, इसे कोई खास नहीं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तभी इसका यूज करिएगा। सी यानी C = ε0 a/d, ε0 एक स्थिरांक है, इसका वैल्यू आपको एग्जाम में दिए रहेंगे क्वेश्चन में। ए जो होता है एरिया होता है। अब आप देखिए कैपेसिटर और ए में डायरेक्ट रिलेशन, यानी एरिया बढ़ाइएगा तो संधारित्र की क्षमता बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घट जाएगी। बट डिस्टेंस डी में कैसा संबंध है, उल्टा है। अगर दूरी को बढ़ाते हैं तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, दूरी को घटाते हैं तो क्षमता बढ़ जाएगी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं। विदाउट फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है क्योंकि फिजिक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कितना फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। आप ऐसे नॉर्मली समझिए क्या होता है। चलिए अब समझिए संधारित्र की क्षमता यानी सी यानी क्षमता याद रखना है। आप ऐसे समझिए ना, आपको खाना खाना है, ठीक है, आपके पास प्लेट है। अब आप खुद सोचिए, कहेगा कि प्लेटों के एरिया बढ़ाएंगे तो कितना खाना आटेगा यानी कैपेसिटी कितनी होगी। आप नॉर्मल नहीं सोच सकते हैं, अगर बड़ा प्लेट रहेगा तो ज़्यादा खाना आटेगा, यानी प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्षमता आटेगा, तो एरिया बढ़ाने से क्षमता बढ़ जाती है, एरिया घटाएंगे तो घट जाएगा। बड़का पराप लेके बैठिएगा जाना ज़्यादा खाना आटेगा, छोटा सा छीप लेके बैठेंगे उसमें खाना कम आएगा। तो यानी ये तो आपको बिना फार्मूला ही बता सकते हैं, आपको इसमें फार्मूला लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है ए की वैल्यू बढ़ाने या घटाने से। चलिए अब आगे समझ जाते हैं, दूरी बढ़ाने या घटाने से, दूरी बढ़ाने पे क्या असर पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए आप कहीं बारात में खाना खा रहे हैं और किसी से सब्जी मांगा और बहुत दूर है वो, ऐसे देगा लीजिए लीजिए, अगर ज़्यादा दूरी है तो ज़्यादा थोड़ी ना देगा, कम ही देगा, तो दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घट जाएगी। और एकदम पास में बैठा है
एकदम आपके बगल में बाल्टी रख दिया है, आप तब मांगिएगा, यानी दूरी एकदम क्या कर दी है, कम कर दिए, तो क्षमता बढ़ा देगा, एकदम बढ़िया से निकाल के देगा, लो भाई भर पेट खाओ, एकदम पूरा थाली रख देगा वहाँ पे। तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब आप समझिए यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला की क्या जरूरत है, ज्यादा करीब से मांगिएगा ज्यादा देगा, दूर से मांगिएगा कम देगा। यहाँ पे अब एक चीज पूछता है कि अगर इनके बीच में धातु का प्लेट जोड़ दिया, यानी एक चालक का छड़ जोड़ दिया, तब अब आप खुद सोचिए कि आप जिस परात में जिसमें खाना बना है, जिस डेग में, उसी में जाकर आपका मुंह जोड़ दे, आप खाते रहिए, कितना खाएंगे, अनंत खाते रहिए, एकदम पूरा मुंह ढक जाइए खा के उसमें। तो जब कभी भी इसमें धातु का छड़ जोड़ेगा, धातु का, तो इसकी धारिता संधारित्र की क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, अगर आपका मुंह जोड़ दे किसी परात में जिसमें खाना बना है, लेकिन उस पर ढक्कन लगा दे तब मुंह जोड़े, तो कितना खाइएगा, कुछ नहीं खा पाइएगा, जीरो। तो अगर ये धातु है तब तो अनंत हो जाएगा, लेकिन अगर ये अधातु है या इंसुलेटर है, कुचालक है, तब इसकी संधारित्र की धारिता शून्य हो जाएगी। यानी आप बिना फॉर्मूला के ही देख सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है। अब एक चीज और क्वेश्चन पूछता है कि एक और फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू होता है क्यू बाई बी, एक ये फॉर्मूला भी होता है। इस पर क्या पूछता है, आवेश की मात्रा बढ़ाने पे धारिता बढ़ेगी कि घटेगी। आप बताइए ना, किसी शादी ब्याह में खाना बहुत ज्यादा बना है तो आपको भी ज्यादा मिलेगा, यानी आवेश ज्यादा है तो धारिता भी ज्यादा रहेगा। खाना ही कम बना ही कम है, बराती को घट गया तो आप लोग को कहाँ मिलेगा, कम मिलेगा। तो भाई अगर आवेश ही कम है तो धारिता भी कम रहेगी। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संधारित्र से वोल्टेज से रिलेटेड, कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज घटाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझिए वोल्टेज होता क्या है, करंट को धक्का देने वाले फोर्स को हम लोग कहते हैं वोल्टेज, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ भी कहते हैं। छोटा वोल्टेज रहेगा तो उसे ईएमएफ कहेंगे, बड़ा वोल्टेज रहेगा तो उसे वोल्टेज कहेंगे, विभव कहेंगे। अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारिता घट जानी चाहिए, क्योंकि दोनों में उल्टा रिलेशन, वोल्टेज घटाएंगे तो धारिता बढ़ जानी चाहिए क्योंकि इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आप शादी में कहीं खाना खा रहे हैं, ठीक है, अब आपको अचानक कोई कुछ घट गया, सब्जी घट गया, और कोई आदमी आ रहा है, आराम से आ रहा है, यानी उसका वोल्टेज कम है, स्पीड कम है, एकदम धीमा धीमा आ रहा है, आप उससे कहिएगा भैया सब्जी दीजिए तो आपको ज़्यादा दे देंगे, क्यों, क्योंकि उसका स्पीड कम था। करंट के स्पीड को वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज कम रहेगा धारिता ज्यादा देगा आपको, बहुत ज्यादा दे देगा। लेकिन मान लीजिए अगर उसी शादी में कोई सब्जी ले रहा है और वो देख लिया है अपनी वाली को कि उसकी वाली किधर बैठी है, तब तो सीधे भागेगा हाई वोल्टेज में अपनी वाली की ओर, और उसी में आप उसको कहिएगा अरे भाई भाई सब्जी, तो क्या करेगा, इसे दे देगा, अरे लो भाई इतना सा बहुत है, इतना थोड़ा सा दे देगा आपको। रीजन क्या है, उसका वोल्टेज ज्यादा है, क्यों, आप समझ रहे ना, किसको देखा है, वो भागेगा उधर ही। आप लोग तो ऐसा किए होंगे लोग शादी ब्याह में, जिसको अपना देख लिया वहाँ पर एकदम सोचते हैं कि गले तक ढकेल के खिला दे। तो जब कभी भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ने की वजह से, यानी स्पीड बढ़ेगा, धारिता घट जाएगी, और स्पीड घटाएंगे, आराम से कोई आ रहा है आराम से आपको देगा। तो ये रिलेशन हो गया आपका संधारित्र पर। इसकी धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराडे, नापते हैं हम लोग माइक्रो फैराडे में। इसका काम क्या है, आवेश को संचित कर देना। यही काम करता है, पंखा में एक कंडेंसर लगाया जाता है, वो आवेश को क्या करता है, इकट्ठा करके रख लेता है। अगर कंडेंसर दो ठो लगा देंगे, ज्यादा आवेश रोक लेगा, पंखा ज्यादा तेज नापने लगेगा, 10 ठो लगा दीजिएगा तो हेलीकॉप्टर थोड़ी बन जाएगा भाई, उसका भी एक कैपेसिटी है, जल जाएगा फिर पंखा आपका। तो ये था आपका संधारित्र। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए